नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय सभी स्कूल और कॉलेज सभी बंद चल रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं लगभग काफ़ी पढ़ाई उनकी जो डिस्टर्ब चल रही, चाहे हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चे हो या कोई भी स्टूडेंट या इंटर कॉलेज के कोई भी, तो जो भी स्टूडेंट हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित है वो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो हमने काफ़ी दिन से आप सबको वीडियो उपलब्ध नहीं कराया था, तो आज जब कई बच्चों को फ़ोन आ रहा था कि सर वीडियो बनाइए, पेपर होने वाला यूनिवर्सिटी के या कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आप सबके कुछ क्वेश्चन जरूर से सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता, इस वीडियो को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी आपके संबंधित एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जरूर आप इस वीडियो को शेयर करिए। चाहे आप किसी भी बीएससी, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या किसी भी कहीं से या महाविद्यालय से अगर आप बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर में या सेमेस्टर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कंपटीशन अगर हमें देना है जैसे यूपीपीसीएस या बीएचयू या कोई भी पेपर देना है, तो आप हमारे इस वीडियो को देखकर अपने कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हॉर्टिकल्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जरूर आप सबको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लाते रहेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कंपटीशन में कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए, चाहे अगर हम पेपर कहीं देने जाते हैं तो वो जरूर ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सबको हम एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और प्लस जीएस, कल हमारा जो जीएस का कुछ क्वेश्चन आएगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आप सबको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है डी कैंडोल, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है एम एच मैरीगोंडा और चौथा ऑप्शन है नाना डीज। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम बता देते हैं। तो डी कैंडोल यहाँ पर क्या पूछ, अगर पहले ऑप्शन में दिया डी कैंडोल, तो डी कैंडोल किसे कहा जाता है, फादर ऑफ पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान के पिता अगर पूछ लेता है तो किसे कहा जाता है, डी कैंडोल को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा कि फादर ऑफ पोमोलॉजी या फल विज्ञान के पिता तो डी कैंडोल, और दूसरा ऑप्शन दिया रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक किसे कहा जाता है, तो अगर पूछ लेता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, सेल इज डिस्कवर्ड बाय, यानी कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था, तो 1665 में। तो अगर पूछ लेता रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो सेल ने डिस्कवर या कोशिका की खोज की थी। अब तीसरा दिया है एम एच मैरीगोंडा, क्या दिया, तीसरा ऑप्शन है एम एच मैरीगोंडा, यानी तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किससे कहा जाता है, डॉक्टर एम एच मैरीगोंडा को कहा जाता। तो पहले का तीसरा ऑप्शन सही है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के पिता का किससे कहा जाता है, तो हॉर्टिकल्चर यानी डॉक्टर एम एच मैरीगोंडा को कहा जाता। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, हुई टर्म रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर से कौन सी, हुई टर्म कौन सा शब्द रिलेटेड मतलब संबंधित टू हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान से कौन सा शब्द संबंधित। तो पहला हो जाएगा ग्रीक वर्ड, दूसरा हो जाएगा लैटिन वर्ड, तीसरा हो जाएगा फ्रेंच वर्ड और चौथा हो जाएगा आला दीच। यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा से संबंधित या किस भाषा का शब्द है, तो हॉर्टिकल्चर हमारा किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक वर्ड हो जाएगा, कौन सा ग्रीक वर्ड हो जाएगा, यानी जिस शब्द के लास्ट में वाई लगा है वो अधिकतम मैक्सिमम ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, ग्रीक भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, पहला ऑप्शन ग्रीक वर्ड, दूसरा ऑप्शन लैटिन वर्ड, तीसरा फ्रेंच और चौथा अलाब्दीज। तो इसमें दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, यानी हॉर्टिकल्चर यानी व्हिच टर्म रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, स्टडी ऑफ ओलरीकल्चर यानी ओलरीकल्चर में अध्ययन करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टडी ऑफ ओलरीकल्चर यानी ओलरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्रूट, दूसरा ऑप्शन है वेजिटेबल, तीसरा ऑप्शन है फ्लावर, चौथा ऑप्शन है कैश क्रॉप। यानी तो पहला ओलरीकल्चर में, अब यहाँ पर फ्रूट, अब फ्रूट में हम किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फ्रूट। तो फलों का अध्ययन हम किस में करते हैं, पोमोलॉजी में करते हैं। तो ये ध्यान रखना, यानी स्टडी ऑफ फ्रूट इज पोमोलॉजी, यानी फलों का अध्ययन जो फ्रूट या फलों का अध्ययन किस में किया जाता है, पोमोलॉजी। दूसरा दिया वेजिटेबल, अब वेजिटेबल का अध्ययन किस, ओलरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन या वेजिटेबल का अध्ययन किया जाता है, तो ओलरीकल्चर में किसका, सब्जियों का अध्ययन। अब
यहाँ पर फ्लावर दिया तो ये कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। तो तीसरे का हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही है। तो ये ध्यान रखना, तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है। स्टडी ऑफ ओलोरिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन किस में करते, यानी ओलोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता, तो सब्जियों का अध्ययन किया जाता। अब क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। फादर ऑफ पोमोलॉजी, फल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को अभी हमने आप सबको बताया था, पहले ही चार ऑप्शन मिले तो उसको हमने सॉल्व कराया था। तो फादर ऑफ पोमोलॉजी, फल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो डी कैंडोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डी कैंडोल को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता फल विज्ञान के पिता किसे, तो डी कैंडोल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, स्टडी ऑफ फ्रूट यानी फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पोमोलॉजी, दूसरा ऑप्शन फ्लोरिकल्चर, तीसरा ऑप्शन ओलोरिकल्चर और चौथा ऑप्शन है सेरिकल्चर। तो ये आपका काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, जो बहुत कम लगभग बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित ये क्वेश्चन हम आप सबके लिए बेसिक क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर कहीं आप पे कोई भी पेपर देने जाते तो ये क्वेश्चन जरूर, ये सब क्वेश्चन मैच करेंगे। तो स्टडी ऑफ फ्रूट, पहला है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में हमने बताया था किसका अध्ययन किया जाता, फलों का अध्ययन किया जाता। तो पाँचवें में कौन सा पहला ऑप्शन सही है, यानी फलों का अध्ययन किस में किया जाता, पोमोलॉजी में। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, फूलों के, द स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों का अध्ययन किस में, फ्लोरिकल्चर में। तीसरा ऑप्शन हमने बता दिया ओलोरिकल्चर में किसका, सब्जियों का अध्ययन। चौथा ऑप्शन दिया सेरिकल्चर, अब सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट का। तो ये ध्यान, सिल्क वर्म यानी रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता, सेरिकल्चर में किया जाता। तो अगर कोई पूछ लेता है सिल्क वर्म या रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता, तो सेरिकल्चर में किया जाता। तो पांचवे का पहला ऑप्शन सही है, द स्टडी ऑफ फ्रूट इज पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन नंबर छः, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यानी CISTH। तो पहले इसमें हमें शॉर्टकट में नाम पता होना चाहिए, तो यहाँ ये यह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, टी नहीं रहेगा, CISH रहेगा, सॉरी ये ध्यान रखना, CIS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर स्थित है? तो इतना ध्यान, CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन नंबर सेवन, छः का चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है? स्टडी ऑफ फ्लावर यानी फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सेरिकल्चर, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है पोमोलॉजी, चौथा ऑप्शन है ओलरिकल्चर। तो हमने बता दिया इन चारों के ऑप्शन के बारे में हमने आप सबको बता दिया। तो अगर फ्लावर का अध्ययन किस में, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो सात का दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आठ, व्हिच वर्ड ऑफ पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? हाँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं। तो कहीं कहीं पर ग्रीक लिखा रहता है, कहीं कहीं पर लैटिन और कहीं कहीं पर दोनों रहता है। तो व्हिच वर्ड ऑफ पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच, चौथा ऑप्शन है ए एंड बी बोथ, दोनों यानी ए और बी दोनों। तो इसमें जो रहेगा यानी इसमें हम माना जाता है अधिकतर दोनों ऑप्शन मैच करता है, यानी लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द। अगर यहाँ पर दोनों दिया और ए और बी नहीं दिया, इनमें से दे दिया ना ना दे, तो हम किस पे लगाएंगे? लैटिन इसमें डोमिनेंट होता, क्या होता है, सबसे ज़्यादा मुख्य माना जाता लैटिन, लेकिन तो लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द होता। तो ये ध्यान रखना, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। तो आठ का चौथा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये ध्यान रखना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। अब टेम्परेट मतलब यहाँ पर जहाँ पर अधिकतर सर्दी होती वहाँ पर ये स्थित, हम ध्यान रखेंगे। पहले हम देखेंगे शॉर्टकट में CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित। क्वेश्चन नंबर नौ का चौथा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर दस, CPRI क्या? CPRI, तो CPRI के सबसे पहले पूरा नाम देखेंगे, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ पर? शिमला, या जिसे बोला जाता है कुफरी हिमाचल प्रदेश। तो पहला ऑप्शन दिया नासिक महाराष्ट्र, आनंद गुजरात, तीसरा ऑप्शन दिया कुफरी हिमाचल प्रदेश या शिमला।
तो 10 का जो हमारा ऑप्शन सही होगा तीसरा ऑप्शन से, कहीं कहीं कुफरी दे सकता है, कहीं कहीं शिमला हिमाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, ये कुफरी हिमाचल प्रदेश या शिमला हिमाचल, अगर दोनों ऑप्शन कोई ऑप्शन देता है तो दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। और ये क्वेश्चन और ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है एप्पल ऑफ बाउल सेब का कटोरा किसे कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, HP मतलब हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 11, पेक्टिन इज मेजर्ड बाय, पेक्टिन को किससे मापा जाता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेक्टिन इज मेजर्ड बाय, तो पेक्टिन, अब पेक्टिन क्या है, एक जेली बनाने के लिए पिगमेंट पाया जाता है, क्या है, पिगमेंट है जो जेली बनाने के लिए काम आता है। तो पूछा जा सकता है जेली में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो पेक्टिन। और पेक्टिन को किससे मापा जाता है, तो ये ध्यान रखना, पहला जेली मीटर, दूसरा थर्मोमीटर, तीसरा रिफ्रेक्टोमीटर, चौथा नान ऑफ दीज। तो 11 का इसमें पहला ऑप्शन सही, जेली मीटर से पेक्टिन को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो पहले IIHR 60 का नाम, उसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, ये कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक बंगलौर में स्थित है, कहाँ पर, कर्नाटक बंगलौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, तो 12 का तीसरा ऑप्शन सही, 13 देखते हैं, द बेस्ट ग्रोथ रेगुलेटर फॉर कंट्रोलिंग ऑफ फ्रूट ड्रॉप, कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जो फलों को गिरने से रोकता है, यानी द बेस्ट मतलब अच्छा, ग्रोथ मतलब वृद्धि करने वाला रेगुलेटर, फॉर कंट्रोलिंग फॉर फ्रूट, कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जो फलों को गिरने से रोकता है, तो पूरा नाम इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है IAA, दूसरा ऑप्शन NAA, तीसरा ऑप्शन है MH और चौथा ऑप्शन है GA3। तो फलों के गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग, गिरने से रोकता है, तो NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, क्या हो जाए, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो चारों के हम इसमें आप सबको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो 13 में इसमें जो सही होगा दूसरा IAA का पूरा नाम इंडोल ब्यूटारिक एसिड, तो IAA का पूरा नाम ध्यान रखना इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो रूट ग्रोथ के लिए काम आता है। दूसरा हो जाएगा NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जो फलों को गिरने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा हो जाएगा मैलिक MH, सी ऑप्शन में MH, मैलिक हाइड्राजाइड, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण जो पूछा जा सकता है कि मैलिक हाइड्राजाइड इज यूज टू, तो मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो स्टोरेज भंडारण के समय प्याज में अंकुरण रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अगर हम प्याज को स्टोरेज करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज करते हैं ले जाकर, तो वहाँ पर उसमें प्याज में हम देखते हैं जर्मिनेशन हो जाता है, क्या, अंकुरण हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करते हैं। अगर जर्मिनेशन हो गया तो उसकी क्वालिटी तुरंत डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और GA3 जिब्रेलिक एसिड, जो ग्रोथ हारमोन्स के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14, 13 का दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, साइडर इज प्रिपेयर्ड बाई, इन साइडर किससे तैयार किया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साइडर इज प्रिपेयर्ड बाई, तो पहला मैंगो, दूसरा एप्पल, तीसरा पियर और चौथा बी और सी बोथ। तो साइडर जो तैयार किया जाता है, एक पे प्रोडक्ट होता है, क्या, यानी पीने वाला पदार्थ होता है। तो कई बार पूछा गया साइडर किससे, तो एप्पल और पियर दोनों से तैयार किया जाता है। तो इसमें 14 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेजिटेबल हुई चीज नोन एज मल्टी विटामिन ग्रीन, इन्हें किस वेजिटेबल को मल्टी विटामिन ग्रीन के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। किस विटामिन को मल्टी ग्रीन्स विटामिन के नाम से, मतलब किस वेजिटेबल्स को मल्टी ग्रीन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो पहला जो सपोटा, दूसरा एप्पल, तीसरा कॉफ़ी, चौथा चिक्रुमिंस। तो किससे माना जाता है, चिक्रुमिंस को माना जाता है ग्रीन विटामिन्स के नाम से जाना जाता है, किसे, ग्रीन मल्टी विटामिन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों से हमारे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप सबके पास से वीडियो उपलब्ध रहे, जो भी आप सभी स्टूडेंट के जहाँ तक पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो CSE के भी लगभग पेपर ऑनलाइन ही कराए जाएंगे, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब और जरूर करिए। और जिन भी स्टूडेंट को अगर UG की तैयारी करना है, तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर पूरी वहाँ पर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर पूरी UG की पूरी तैयारी अच्छी तरीके से कराई जा रही है। वहाँ पर ऑनलाइन क्रॉस कोर्स स्टार्ट किया गया कर दिया गया जो भी काफ़ी मिनिमम फीस के साथ स्टार्ट किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अगर BSc UP कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो
तो बाकी हमारा कल हम कोशिश करेंगे आप सबके लिए जीएस का या सामान गान के वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।